आज की वीडियो में हम जानेंगे कौन है सेवेंजर्स और उनके सफर की कहानी। YouTube क्रिएटर सेवेंजर्स का वो इतिहास जो आपको भी प्रेरणा देगा आगे बढ़ने की। कैसे उन्होंने YouTube के एक डेड चैनल को 10 मिलियन से अधिक पर ले जाकर खड़ा कर दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस चेल्स में। सेवेंजर्स के मास्टर जी क्या लौंडी फेंक दी मेरी चतुर्पुतैया नहीं आ रहा यार। चतुर्पुतैया ये तो आजकल चल ही रहा है, कुछ नया लेके आ, नया दिखा कुछ। हाँ, यही करवाना, यही। या ऑलराउंडर मोची। यार मोची, मेरी लौंडिया के रिश्ते ना हो रहे हैं इसके गुटका चबाने की वजह से। ये रहा लौंडा, शरीफ है फुल गुटके बाद। आपने इनके कई अभिनय देखे होंगे। इनका असली नाम है मोहम्मद आसिफ और इनके फैंस इन्हें मास्टर जी कहकर पुकारते हैं। यार मास्टर जी, तुमने मुझसे झूठ के बोला था भाई तुम्हारी। 2021 में इन्होंने अपने भाई नदीम उर्फ बनी और दोस्त अर्शद, शाहरुख और प्रिंस काशिफ के साथ सेवेंजर्स चैनल को दोबारा शुरू किया। जी हाँ, आपने सही सुना, दोबारा शुरू किया। एक समय था जब आसिफ के भाई बनी को लगता था कि आसिफ बेकार ही समय बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? सर आपको कुछ नहीं करना, जो करेंगे हम करेंगे। लेकिन एक बार आसिफ की वीडियो ने जैसे टिकटॉक पर धूम मचा दी, तब आसिफ को खुद भी पहली बार एहसास हुआ कि वायरल शब्द का मतलब क्या होता है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि मास्टर जी का कैरेक्टर आखिर कैसे अस्तित्व में आया। एक दिन जिम की छत पर एक खाली स्टूल पड़ा था। बनी ने आसिफ से कहा, तुम मास्टर बन जाओ और हम बनते हैं तुम्हारे स्टूडेंट। बस ऐसे ही उन्होंने एक वीडियो बनाई और टिकटॉक पर डाल दी और यहीं से चिंगारी उठी सेवेंजर्स की। अब तक टिकटॉक पर इतनी तेजी से शायद किसी का भी कंटेंट वायरल नहीं हुआ था। बस फिर क्या था, आसिफ बन गए मास्टर जी और बनी और उनके दोस्त स्टूडेंट। अब नाकाम और नाकारा जैसे शब्द उनके परिवार से आने कुछ समय के लिए रुक गए। मोहल्ले पड़ोस में लोग उन्हें पहचानने लगे और ये फेम था टिकटॉक का। लेकिन फिर आसिफ और उनके दोस्तों की जिंदगी में जैसे फिर वो ही काली घटा छा गई। टिकटॉक बंद होने के बाद आसिफ और उनकी टीम बहुत निराश हुई, क्योंकि टिकटॉक तो बंद हुआ ही, साथ में यूट्यूब अकाउंट कई मिलियन सब्सक्राइबर के बाद भी डेड हो चुका था। मोहम्मद आसिफ और उनकी टीम MS टकाटक और इंस्टा पर वीडियोस तो अपलोड करते रहे, लेकिन उन्होंने यूट्यूब पर ध्यान नहीं दिया। इसी के कारण उनकी किसी भी वीडियो पर यूट्यूब से कोई भी व्यूज नहीं आ रहे थे। उनके परिवार से अब प्रेशर और भी बढ़ चुका था। उनका कहना था कि ये लोगों की वाही से पेट नहीं पलने वाला, रोटी नहीं मिलने वाली। लेकिन दोस्तों, अगर आप मन में कुछ ठान लो तो एक दिन सफलता आपको मिलकर ही रहती है। काफी ध्यान देने के बाद आसिफ को समझ में आया कि वो एक ही जगह और एक ही जैसी वीडियो बनाए जा रहे हैं, जिससे अब व्यूअर्स आदि हो चुके हैं। उन्होंने गहन अध्ययन करके ये देखा कि वो ऐसा क्या कर सकते हैं जो अभी तक कोई नहीं कर रहा, और अब लास्ट शर्म सब त्याग कर आसिफ और उनकी टीम अपने घर से निकल चुकी थी। दुकानदार हो या डॉक्टर, होटल वाला हो या पुताई वाला, या फिर सड़क किनारे बैठा कोई मोची, आसिफ ने आम लोगों के दिल तक पहुंचने का जरिया ढूंढ लिया था। धीरे धीरे सेवेंजर्स की पहले पुरानी वीडियोस उठनी शुरू हुई, फिर जब उन्हें जनता की मोहब्बत और यूट्यूब पर व्यूज आने शुरू हुए, तब सेवेंजर्स को 10 मिलियन पर ले जाकर खड़ा कर दिया। लोगों को उनकी कॉमेडी के साथ ये एक्सपेरिमेंट बहुत पसंद आया और आज सेवेंजर्स और उनकी टीम कई चैनल चलाते हैं, जैसे सेवेंजर्स की सेना, सेवेंजर्स फिटनेस। अगर हम बात करें कि आज वो कितना कमा लेते हैं, तो उसका एक अनुमान हम आपको दे देते हैं। ये थी कहानी सेवेंजर्स के सफर की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।